तो इस समय हमारे साथ तागुंग नेरी जी मौजूद है सर। सबसे पहले तो सर हमारे न्यूज़ चैनल एनी प्लस ईटानगर न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में, जो लॉन्चिंग प्रोग्राम जो था आप लोगों का एनर्जी कंजर्वेशन वीक, तो उसमें उसके थ्रू जो है सबसे पहले आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए सबसे पहले थैंक यू एनी प्लस। सबसे पहले तो आज का प्रोग्राम इसलिए मनाया जा रहा है कि आज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक आज से मनाया जा रहा है। हमारा सरकार, हमारा ऑनरेबल डिप्टी सीएम पावर मिनिस्टर का गाइडेंस और हमारा ऑनरेबल डायनामिक एंड यंग एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर का आशीर्वाद से हम लोग ये प्रोग्राम को दूर दराज जहाँ जहाँ हमारा मैसेज नहीं पहुँच पाता है उसमें मैसेज देने का, अवेयरनेस देने का, सब जगह जगह में, बस्ती बस्ती में हमारा गवर्नमेंट सरकार का ओर से हम लोग अवेयरनेस देने के लिए आज से शुरू किया जा रहा है। तो सर इस अवेयरनेस वीक के थ्रू जो है आप खासकर ईटानगर अरुणाचल के लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए हमारा सरकार का ये पॉलिसी है और ये प्रोग्राम का पॉलिसी, मेन पॉलिसी ये है कि हमको कम यूज और कम ज़्यादा बेनिफिट इलेक्ट्रिक को, एनर्जी को ये करना है, कम कंजम्पशन ज़्यादा बेनिफिट। इसमें घर में बस जैसे घर में जहाँ तहाँ अननेसेसरी स्विच ऑफ करके, स्विच ऑन करके नहीं रखना है, लाइट जला के नहीं रखना है, फ्रिज जला के नहीं रखना है और गीजर जला के नहीं रखना है जिसमें अननेसेसरी कंजम्पशन होगा, उसको ऑफ करके रखने से हमको दूसरा किचन में, दूसरा घर में, दूसरा आम आदमी, दूसरा आदमी को बेनिफिट एटलीस्ट मिलेगा। तो ऐसे सोच करके हम लोग को ये प्रोग्राम इसलिए दिया जा रहा है कि सबसे पहले तो हमको एलईडी बल्ब लेना है, एलईडी बल्ब मैक्सिमम यूज़ करना है और सामान जो भी खरीदता है जैसे फ्रिज है, जैसे कि गीजर है आपका, बहुत सारा ऐसे चीज़ है, एसी है, फाइव स्टार वाला यूज़ करना है। फाइव स्टार वाला आपको यूज़ करने से हमको कंजम्पशन ये होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे सरकार का ये भी पॉलिसी है कि गाड़ी, एनर्जी वाला गाड़ी, इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी, हमारा अपेदा में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पेमा खांडू का ये नेतृत्व में अभी हम लोग ये क्या है कि दो तो गाड़ी लॉन्चिंग किया, दो गाड़ी इलेक्ट्रिक ये से एनर्जी से हम लोग लॉन्चिंग किया और चल रहा है। तो वैसे ही देश भर में बहुत सारे स्टेट में, कुछ कुछ स्टेट में लागू हो गया, तो हमारा यहाँ भी दो तो इंट्रोड्यूस हुआ और आगे जाके हमारा सरकार इसको बहुत इनिशिएटिव ले रहा है और बहुत इंटरेस्ट आपेदा को, हमारा चीफ साहब बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और इसको बहुत ध्यान दे रहा है कि आपेदा आगे बढ़ के जगह जगह में, बस्ती बस्ती में, गांव गांव में आपेदा का बेनिफिट मिले, जैसे करके सोलर एनर्जी को हम लोग इस तरह से कैंपेन दे रहे हैं। ओके सर, सर एक मैं फाइनल आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा रिगार्डिंग सर आपके डिपार्टमेंट के थ्रू जो है खासकर रूरल एरियाज़ के लोगों को, गांव के लोगों को, उनको क्या कुछ फैसिलिटी आपकी तरफ से दी जा रही है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, कुछ आप स्कीम बताना चाहेंगे सर? देखिए हमारा आपेदा का ये का हिसाब से हम लोग ने हमारा सीएम साहब का आशीर्वाद से हम लोग बस्ती बस्ती में स्ट्रीट लाइट दिया जा रहा है और जगह जगह में स्ट्रीट लाइट दिया जा रहा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा वहाँ में हम आपेदा का थ्रू हम लोग लाइट दिया जा रहा है, जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ में आपेदा का थ्रू हम लोग लाइट दिया जा रहा है, गांव गांव में, सड़क में, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं पहुँचा, जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचा, हमारा सरकार का ये सपना है और ये आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए सर, थैंक यू।